पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 9 डिग्री तापमान में लोग ठंड से सुकड़ रहे थे, खुद को ठंड से बचाने के लिए आग का सहारा ले रहे थे, लेकिन प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची मुरादाबाद के सीतापुरी में बने शेल्टर होम में, जहां पर लाखों रुपए खर्च करके उसे बनाया तो गया, लेकिन वहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आया। जो कमरे गरीब और बेसहाराओं को सहारा देने के लिए बनाए गए थे शेल्टर होम में, उन कमरों पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कब्जा है। जब हम अंदर पहुंचे तो इससे भी बुरा हाल था। वहां पर लोगों को जमीन पर सुलाया जा रहा था। जब देखरेख करने वाले व्यक्ति से बात की गई तो उनका कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें ही काम चलाया जा रहा है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर, जहां का नजारा देखकर हम भी हैरान रह गए कि आखिरकार प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे वो फुश हो गए। खुले आसमान के नीचे लोग कहीं खुद को ठंड से बचाते हुए नजर आए तो कहीं खुले आसमान के नीचे लोग सोते नजर आए। तो वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए कट्टों का सहारा लिया तो किसी ने पन्नियों को ही कंबल बना लिया। जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा बनाए गए स्थायी रेन बसेरे में उन्हें रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है और 20 रुपए की मांग की जाती है, जिसके बाद ही उन्हें रुकने दिया जाता है। इसी वजह से सभी लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। जितने लोग अंदर सो रहे हैं सबके नाम नोट करिएगा ना, ये बात आप मोबाइल नंबर नोट कर लो। आधार कार्ड नहीं है, आते हैं कोई जरूरी जेब में आधार कार्ड लिए तो मैं घूमा भाई उसका ये निकले कौन है साथ में, भाई है, चाचा है, ताऊ है, लड़की है, लड़का है, तो वो पता रहेगा परिवार का है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई घटना करके चला जाएगा तुम कह दो मुझे पता नहीं। मेरा नाम प्रेमपाल है। अच्छा, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ रुकने की? व्यवस्था हो गई है, आराम से जो आदमी आवे हैं उनकी एंट्री लेनी है, उन्हें सुबाना है, पूरी व्यवस्था देनी है और आराम से अपने परेशानी रखते हैं, हम आराम से उन्हें सुबाते हैं। कितने कमरे हैं यहाँ पर? कमरे बाबूजी हमारे फ्री हाल में तो दो हैं, लैट्रिन बाथरूम दो हैं, सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, ये दो कमरे जो बंद पड़े हुए हैं ये कैसे हैं? ये तो बाबूजी बंद तो ये उन्होंने लिया डॉक्टर पोलिया वालों ने, और चाबी उनके पास ही। लेकिन ये तो शेल्टर होम की प्रॉपर्टी है और शेल्टर होम ही है ये जो कमरे हैं दो जो बंद। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये डॉक्टरों ने कैसा कब्जा रखा है, क्या कर रखा है? ये बाबा जी कब जाता है उन्होंने, मतलब 8-9 महीने होने को आ रहे हैं, वो इसी में मतलब मतलब इस जो दो ये रूम है आपके पास, लेकिन ये पूरे रूम जो है इसमें चार हैं, 12 साल हमारे पास है बाबूजी। इन दो रूमों के अलावा उन दो रूमों में कोई भी किसी को सुलाया नहीं जाता? हाँ, दोनों में नहीं सुलाया जाता उनमें ना, इनमें को हाँ इनमें को तब 8 साल हमारे पास है, सुबह इसमें भी और इसमें भी सुबह है, अब हमारे पास एक ही है बाबू जी, हम क्या करें। क्या नाम है उन डॉक्टरों का? डॉक्टर बाबू जी नाम की मुझे नहीं पता। सरकारी है? सरकारी डॉक्टर है। चाबी उन पे ही है? चाबी उनके पास है। आप मांगी कभी? मांगी ही हमने। तो क्या बोले? बोलेगा ठीक है भाई हम बात करते हैं तो तुम चाबी देंगे तुम्हारी। जब कभी जे हिसाब से कही हमने और सभी कही, मैंने साहब आदमी बाहर से आते हैं, अब तो आदमी रुकेंगे ही यहाँ पे। जब अच्छा जब कभी ज़्यादा लोग हो जाते होंगे तब? ज़्यादा लोग बाबू जी हम इसमें रुकाए और इसमें रुकाए, अब हम परेशान हैं इस मामले थोड़े से। परेशान अब पीछा परसों 8 आदमी रुके इसमें, तो हमने उनकी व्यवस्था ही करी फिर अंदर। अच्छा, वैसे एक रूम में कितने आदमी रुक सकते हैं? एक रूम में बाबू जी ज़्यादा खपेंगे तो 8-9 आदमी खपेंगे। जहाँ सूरजपाल है, सूरजपाल जी जाके आप यहाँ कहाँ पे हैं इस समय? इस समय यहाँ मुरादाबाद में है। क्या है ये? ये धर्मशाला में है, शेल्टर होम में। हाँ, सरकार का गवर्नमेंट सरकार का। हाँ, गवर्नमेंट के। क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा ठंड है हमें। क्यों ऐसा क्यों है? अब तो ये इस बात को सरकार जाने।
अच्छा, तो जैसे कोई परेशानी दूर नहीं कर पा रही है गरीब लोगों की। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे देखा, हमने भी हम भी देख रहे हैं, और आप यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं। हाँ, जमीन पे लेटे हैं। क्या आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है खूब। अब क्या करें, मजबूरी है। कब से आप यहाँ पे हैं? हमें आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हाँ। लेकिन आपको यहाँ पे कोई देख रेख नहीं? नहीं, कोई नहीं। खाने की व्यवस्थाएं कुछ रहती है? है? खाने वगैरह की कोई व्यवस्थाएं रहती है? कुछ नहीं व्यवस्था है, परेशानी में टाइम पास कर रहे हैं। चेक करने आए थे हम लोग कि कोई चेकिंग जो उस नॉर्मल वे में होती है कि कोई असामाजिक तत्व वगैरह तो नहीं है, और रजिस्टर वगैरह हमने चेक किया है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कमी थी। मैंने रजिस्टर चेक किया, उसमें कुछ कमी थी, जैसे संख्या उसमें ठीक ठाक नहीं थी, और ये बताया कि संख्या इसकी पूरी लिखें और नाम और आधार कार्ड वगैरह भी ले लें इनका। अच्छा सर, जैसे हमने जाना, यहाँ के लोग जो बाहर सड़क पे लेटे हुए हैं उनसे जाना कि वो कह रहे हैं कि शेल्टर होम में 20-20 रुपए लिए जाते हैं, इसलिए हमें बाहर सोना पड़ रहा है क्योंकि हम पे पैसे नहीं है। अब ये बात तो अभी मुझे पता चली है, इसकी देखते हैं, जाँच करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या इसमें सिर्फ आधार कार्ड वालों को एंट्री दी जा रही है या कुछ? ये एक ऐसा सेफ्टी के उसमें ली जा रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो बेचारा परेशान है उसे हर किसी को अलाउ किया जाएगा। आपने चेक किया क्या? कुछ ऐसा ही नहीं, फिलहाल ठीक है। कुछ संख्या उसमें कम लिखी है, नाम थोड़ा कम लिखे हुए हैं, उस हिसाब से उन्होंने बताया पूरा नाम लिखे जिससे कभी कोई बात हो जाए तो उसमें फायदा मिलता है। सर, एक सवाल यह है कि जिस तरह से ये मामला अभी संज्ञान में आया था कि जो 20-20 रुपये ले रहे हैं, तो क्या सेंटर रूम में इस तरह की व्यवस्था को आप सही मानते हैं या गलत है? अब ये तो मुझे अभी पता चला है, अब मैं देखता हूँ उसमें क्या लिया जा रहा है, क्या नियम है, क्या है, वो अभी मैं उसके जाता हूँ। बाहर कट्टों में सो रहे हैं सर। अब वो जितनी यहाँ संख्या होगी उतना ही तो फिलअप किया जाएगा, अब उससे ऊपर तो सलाया नहीं जा सकता। इतनी चाहिए एक लाइन में, अगर सवाल क्या पैसे लेने सेंटर होम में, क्या ये सही है? अब ये इसके बारे में मुझे ये सरकार के द्वारा लगाया गया है क्या नियम है ये, इसके बारे में मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। उसके बाद पता करके जांच करके उसमें की जाएगी कार्रवाई। अगर भाई गलत होगा तो कार्रवाई की जाएगी, जो ठीक नियमानुसार होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है।